यूपी बोर्ड के छात्रों का रिजल्ट आ चुका है। यूपी बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले यह आपने सुनी, जानकारी देते हुए नजर आए अधिकारी। ये भी आपको बता दें कि 27 लाख छात्र रजिस्टर्ड थे, 12वीं का रिजल्ट सामने आ चुका है। साथ ही ये भी अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि आप ये अपना रिजल्ट वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। वो वेबसाइट्स भी आपको हम बता रहे हैं, upmsp.edu.in पर आप अपनी जो रोल नंबर है उसको डालकर, जो आपका नंबर है यूनिक नंबर उसको डालकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। साथ ही 30 लाख छात्र 10वीं में रजिस्टर्ड हैं, जिनका रिजल्ट भी कुछ देर बाद आएगा। ये बताया जा रहा है कि शाम तक हो सकता है कि 10वीं का आए रिजल्ट, लेकिन 12वीं का रिजल्ट सामने आ चुका है। छात्रों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले हम छात्रों से भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, एक बार फिर हम छात्रों से बात करेंगे। हालांकि छात्र अभी बेशक व्यस्त होंगे अपना रिजल्ट देखने में, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से उनको इस दिन का इंतजार था। रिजल्ट्स देरी से आए हैं, ऐसा पहला मौका रहा जब रिजल्ट्स के लिए लंबा इंतजार छात्रों को करना पड़ा, क्योंकि दो साल जो कि कोरोना की वजह से छात्रों के रिजल्ट्स पर भी एक बड़ा असर इसका देखने को मिला है। रिटर्न एग्जाम छात्र नहीं दे पाए, जो रिजल्ट बना है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से बना है। यूपी बोर्ड का क्राइटेरिया यही था कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा छात्रों का पिछली क्लासेस में भी और प्री बोर्ड्स में भी, उसके अनुसार ये रिजल्ट सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कुलदीप गुफरान और संकल्प हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से लगातार वो भी स्टूडेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। संकल्प, स्टूडेंट से बात करें क्योंकि रिजल्ट जारी हो चुका है, जो उत्साह था अब छात्रों में देखने को जरूर मिल रहा होगा। साफ तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, कई जो छात्र छात्रा हैं यहाँ स्कूल परिसर में पहुंचे हैं और लगातार वेबसाइट को सर्च आउट कर रहे हैं। उसमें से कई ऐसे चेहरे अभी नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे पे खुशी दिख रही है, जिनको अपना रिजल्ट पता चल चुका है। आपने अपना रिजल्ट देखा, क्या रहा, क्या कहेंगे इस बार जो जिस तरीके से परीक्षाएं नहीं हुई, एक दूसरी प्रक्रिया से रिजल्ट आया? रिजल्ट जैसा भी तो बट ठीक है, कम से कम इतनी मेहनत की ऑनलाइन क्लासेस, मैम ने हमारी इतनी मेहनत की हमारे साथ, उसके लिए थैंक्स टू ऑल टीचर्स। क्या आपके एक्सपेक्टेशन थे, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट रहा? और आपने अपना रिजल्ट देखा, आज स्कूल में आए हैं, किस तरीके के एक्सपेक्टेशन से, क्या उस हिसाब से रिजल्ट रहा? रिजल्ट इज वेरी नाइस, बट आई सी माई बेस्ट, आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट इन द स्कूल। आवर टीचर्स मेक वेरी गुड एफर्ट फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। They explain each and every topic very nicely and they do really a hard online classes थी तो कई तरीके की चुनौतियाँ थी, doubts clear हो जाते थे और each and every doubt will be very cleared by the teachers. They do a very hard work for ourselves. साफ तौर पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने अपने टीचर्स का। उनका कहना है कि तमाम उन टीचर्स कि वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने कोरोना जैसी परिस्थितियों में भी दिन रात जो उनके ऑनलाइन डाउट्स थे उनको क्लियर किया। और भी छात्र छात्राएं हैं, रिजल्ट आपने देखा अपना, आज कैसा महसूस हो रहा है लंबे समय से? संकल्प लौटेंगे आपके पास प्रयागराज से, गुफरान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छात्रों से वो भी बात करेंगे, उनका भी उत्साह जानेंगे। गुफरान, क्या अपडेट सर? रानी रेवती स्कूल है, वहाँ पर मौजूद है। यहाँ जो छात्र हैं साफ तौर पर उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक लंबे समय बाद रिजल्ट जारी हुआ है। हालांकि एग्जाम तो नहीं दिए हैं इन छात्रों ने, लेकिन उत्साह जो है उनमें इस बात को लेकर के है कि एक लंबे अंतराल के बाद रिजल्ट आज जारी किया गया है। ये बताएं किस तरीके की खुशी है, रिजल्ट जारी हुआ है, हालांकि एग्जाम आप लोग नहीं दे सके कोविड की वजह से। ठीक गुफरान, एक बार फिर रुक करेंगे आपका। हमारे तमाम संवाददाता कुलदीप गुफरान संकल्प हमें अपडेट्स दे रहे हैं, छात्रों से भी बात कर रही हैं। बता दें बड़ा अपडेट ये कि यूपी बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है, जो यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है उससे छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं।